हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना। स्वागत है आपका अंजनाज किचन में। बारिश के मौसम में हम सबका पकोड़े खाने का मन करता है, तो आज हम कांदा भाजी के पकोड़े बनाएंगे, जिसे कि प्याज के पकोड़े भी कहते हैं, जिसे लोग बहुत ही कम बनाते हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसे बीच में स्किप ना करें। ऐसे पकोड़े बनाकर खाने से हमारी चाय का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए कांदा भाजी के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। कांदा भाजी बनाने के लिए मैंने लिए 3 प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 नींबू, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता जिन्हें मैंने काट लिया है, और 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, और 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 कटोरी बेसन। और अब हम प्याज को ऐसे काट लेंगे। प्याज को हम फाइन चॉप नहीं करेंगे, इन्हें हम थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे। देखिए ऐसे, हम इसे बिल्कुल बारीक नहीं काटेंगे, क्योंकि उससे फिर जो हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इन्हें हम ज़्यादा मोटा भी नहीं काटेंगे, इन्हें हम थोड़ा मीडियम साइज से ही काटेंगे। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। देखिए अब मैंने प्याज को अच्छे से क्रश करके इनके जो लच्छे हैं वो अलग कर देंगे। देखिए अब मैंने अच्छे से सेपरेट होने तक ऐसे क्रश करेंगे, जब तक कि ये सारे जो लच्छे हैं अलग अलग नहीं हो जाते। देखिए इन्हें अच्छे से ही अलग करेंगे। ऐसा करने से जो हमारे प्याज के पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इन्हें बिल्कुल भी हम मोटा नहीं काटेंगे। प्याज के ये जो पकोड़े हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे, जिससे कि हमारी जो चाय का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए अब प्याज के सारे लच्छे अलग हो चुके हैं, और अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, और अब इसमें जाएगा जो कटा हुआ हमने धनिया लिया है वो, और अब हम इसमें एक एक करके जो हमने सारे मसाले लिए हैं उनको भी ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें जाएगी लाल मिर्च, और अब इसमें जाएगी सौंफ। सौंफ जो पकौड़ों के टेस्ट को और भी टेस्टी बना देता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और धनिया पाउडर। नमक हम अभी इसमें नहीं डालेंगे, उसे हम बाद में डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। जो नींबू का रस है वो इन पकोड़ों को और भी टेस्टी बनाता है, क्योंकि जो प्याज के पकोड़े हैं उन्हें हम जब पकोड़े बनाकर बेसन डालकर उसे तलते हैं तो वो थोड़े मीठे हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा तीखा और खट्टा बनाने के लिए इसमें नींबू का रस डाला है। तीखा करने के लिए तो हम इसमें पहले ही मिर्च ऐड कर चुके हैं, और थोड़ा खट्टापन लाने के लिए हमने इसमें नींबू ऐड किया है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर रख देंगे। और इतने में हम अपना तेल गरम करने के लिए गैस पर रखेंगे। देखिए अब हमने इसमें से थोड़ा पानी निकलना शुरू हो गया, और ये अब मेन स्टेप है कि जब हम बेसन ऐड कर रहे हैं तो हम उसे थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अब मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड किया है और उसे फिर मिक्स कर दिया है। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्याज है उसमें ऑलरेडी ही पानी होता है। देखिए अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन और ऐड करेंगे। अगर आपको जितनी नीड हो बेसन की आप उतना ही यूज़ कीजिए। देखिए अब हमने 2 चम्मच और डालकर उसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो प्याज है उसके ऊपर बेसन की अच्छे से कोटिंग हो सके।
हम प्याज के ऊपर बेसन की कोटिंग बिल्कुल पतली पतली ही करेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे। देखिए अब एक चम्मच मैंने बेसन इसमें और ऐड कर दिया है और इसे फिर मिक्स करेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्याज में पानी है, इसलिए। देखिए अब जो मैंने सारा बेसन इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब जो हमारे पकोड़े बनाने का बैटर है वो एकदम से रेडी है। बैटर को चेक करेंगे, इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर गोली बनाने की कोशिश करेंगे, पर हमें पूरी गोली नहीं बनानी है। देखिए ऐसे। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें पकोड़े तलने के लिए डाल देंगे। हम पकोड़ों को दो बार फ्राई करेंगे। पहली बार में हम इसे सिर्फ 80% तक ही फ्राई करेंगे। अगर हम इसे एक ही बार में फ्राई करेंगे तो इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लीजिए अब हमने इन्हें निकाल लिया है और ऐसे ही हम अपने सारे पकोड़ों को बनाकर एक बार फ्राई कर लेंगे। देखिए अब हमने इसे फिर से निकाल लिया है। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है। देखिए अब हमारे सारे पकोड़े एक बार बनकर तैयार हैं और अब हम इसे सेकंड बार फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तभी जो हमारे ये पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखिए अब हमारे जो पकोड़े हैं पहले से और भी लाल हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए ऐसे अब हमने इन्हें निकाल लिया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए ऐसे ही हम अपने जो बाकी बचे पकोड़े हैं उनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। ये पकोड़े बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। लीजिए अब हमारे सारे पकोड़े बनकर तैयार हैं और अब हम इन्हें इसमें के अंदर जो तेल है उसे भी अच्छे से निकाल लेंगे। लीजिए अब हमने अपने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। क्योंकि ऐसे पकोड़े बहुत ही कम लोग बनाते हैं, देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये पकोड़े। और अब हम इन्हें चाय के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं और अब हम इन्हें ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इसे ग्रीन चटनी या रेड चटनी दोनों के साथ भी खा सकते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हमने बनाए प्याज के पकोड़े। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।